नमस्ते, हूँ आदर्श हूँ। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? स्टैंडर्ड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अवर यूनिट 10 पोएम स्ट्रेंज टॉक। ऑन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड न्यू वर्ड्स रीडिंग इज फन ऑन द सेकंड पार्ट एंड द फर्स्ट पार्ट हमने एक्सप्लेनेशन देखा था पोएम का। नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग सम टॉकिंग टाइम। यस, आपको टॉकिंग करना तो बहुत पसंद होगा। Now it's time for doing talking with me. It means yes, our let's talk activity, right? Okay. तो चलो let's talk activity start करने के लिए पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? Of course, हमें textbook open करनी पड़ेगी ना। So please open your textbook page number 162. Are you ready? Okay. मुझे पता है आप जल्दी से textbook open करते ही बैठ जाते हो ना, English का lecture होता है तब। Okay. Now let's read. What we have to talk about it, right? आज का टॉपिक क्या है टॉकिंग का? चलो देखते हैं। Now, the first thing you can see, there are pictures of एक बॉय है और गर्ल है। Okay, I think something interesting will be there. Okay, Seema talks a lot and her brother call her talkative. ये तो प्रॉब्लम रहती है, गर्ल्स बहुत ही टॉकेटिव होती है ना, बातें करना तो बहुत पसंद होता है ना। फ्रेंड्स मिले नहीं और बातें स्टार्ट हो गई नहीं। ओके, ये प्रॉब्लम तो रहेगी। तो सेम यहाँ पे भी है, सीमा बहुत बातें करती है, लॉट ऑफ टॉकिंग। तो उसके ब्रदर उनको क्या कहते हैं? टॉकेटिव कहते हैं। डू यू थिंक सीमा शुड टॉक? क्या आपको लगता है सीमा को टॉक करना चाहिए? ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दी गई है आपको कि यहाँ पे हमें कहाँ पे सीमा को टॉक करना चाहिए और कहाँ पे नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि हर बार क्या होता है, ज्यादा बातें करना है ना, कभी कभी बहुत अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है, राइट? क्योंकि जहाँ नहीं बोलना होता है वहां पे हम बोल देते हैं और जहाँ पे बोलना होता है वहां पे हम बोलते नहीं है। सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल, अगर आपको कोई क्लास में टीचर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो जहां पे बोलना है आपको, कहना है, टॉक करना है, तो आप आंसर नहीं देते हो, करते हो ना ऐसा? और जैसे कि लाइब्रेरी रूम में हम जाते हैं जहां पे बुक्स साइलेंटली रीड करना है, जहां पे वॉइस अलाउड नहीं है, डोंट मेक वॉइस है, तो वहां पे लाइब्रेरी में बातें स्टार्ट कर देते हैं, होता है ना ऐसा? यस, नाउ वी विल सी वेयर On which time we have to talk or which time we have to not talk. Okay? तो यहाँ पे सीमा के एग्जाम्पल के तौर पे हम भी कुछ सीखेंगे और आप भी कुछ सीखेंगे. Okay. Now the first situation is that when the teacher is teaching in the class, it means जब teacher आपको कुछ सिखा रहे हैं, teacher कुछ सिखा रहे हैं class में, तब सीमा को टॉक करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? यस और नो? ओके, तो आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट जब हमें टीचर सिखा रहे हैं, ऑफ कोर्स वी हैव टू नॉट टॉक, ये तो आपको भी पता है। तो क्योंकि जब सिखा रहे हैं तो हमारा ध्यान ही वहां पे नहीं होगा, हम बातें करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारा ध्यान वहां चला जाएगा और हमें कुछ समझ में आएगा नहीं। इसलिए जब टीचर सिखाते हैं, when the teacher is teaching something, then on that time we have to not talk. It means you can say no, क्योंकि आंसर हमें सीमा के अकॉर्डिंग देना है, सीमा के लिए हमें देना है। तो आप क्या करोगे? No, सीमा should not talk when the teacher is teaching in the class. वेरी गुड, राइट? बिकॉज अवर आंसर इज नो, हमें पता ही है कि हमें बातें करनी चाहिए नहीं। यस, ओके, नाउ द सेकेंड सिचुएशन देखते हैं कि कौन सी सिचुएशन है हमें बातें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ओके, ऑन द प्लेग्राउंड क्या बातें करनी चाहिए? यस, वी कैन टॉक, इट मीन्स सीमा कैन ऑल्सो टॉक, क्योंकि ग्राउंड पे, जैसे कि प्ले ग्राउंड पे है, तो आपका लंच ब्रेक हो रहा है तो आप बातें कर सकते हो वहां पे, तो वैसे भी फ्रीली हम बात कर सकते हैं। तो आपको आंसर क्या देना है? यस,
Seema can talk on the playground. Okay? Because when we are giving answers, we have to give the full sentence answer. Right? Be careful for these things. Okay? Now the next situation is, while she is eating, when we are eating, we should not talk, right? क्योंकि खाने के टाइम हम जब बातें करते हैं, हम जब टॉक करते हैं, तो खाना यस गले में फंस सकता है, अटक सकता है, राइट? इट विल बी ब्लॉक फॉर यू, और फिर हमें खांसी हो जाती है, और यस कभी कभी वॉमिटिंग भी हो जाती है. तो हमें खाते नहीं के साथ जब आप खाना खा रहे हो तब हमें बातें करनी नहीं है, राइट? तो आप सीमा के लिए आंसर क्या दोगे? व्हाट यू विल से? यस, तो आप कहोगे नो, व्हाइल सीमा इज ईटिंग शी शुड नॉट टॉक. ओके, जब सीमा ईटिंग कर रही है, जब हम खाना खा रहे हैं, तब हमें बातें करनी चाहिए नहीं. यस, ओके. Now the next situation देखते हैं. When mother asks about what happened in school, जब मामा स्कूल से जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि मामा is waiting for you. Yes, क्योंकि सुबह से आप जाते हो, afternoon में आप स्कूल से घर आते हो, तो मामा wait करती है. फिर आपको पूछते हैं मामा कि क्या हुआ स्कूल में, क्या हुआ, क्या आपने किया, कौन सा वर्क किया, कौन से पीरियड्स आए, तो क्या आपको कहना चाहिए मम्मा को? तब आपको बातें करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? यस, गिव मी द आंसर. यस, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेल मम्मा, राइट? आपको मम्मा को कहना ही चाहिए. तो हम जब सीमा के साथ आंसर दे रहे हैं तो क्योंकि आपको पूरे दिन में ड्यूरिंग क्लास, राइट, क्या क्या हुआ है आप मम्मा को साथ शेयर करोगे तो मम्मा को भी अच्छा फील होगा that you are sharing something with and she is eager to know about that. बहुत वेट करते हैं कि आप क्या क्या किया है. She is also very excited कि आज आपने क्या नया सीखा है. So of course we have to tell. Okay, मामा को कहना ही चाहिए. So when you are giving the answer yes or no, तो आपको क्या करना है? तो आप आंसर करोगे yes, Seema should talk when her mother asked her about what happened in school. तो यहाँ पे आपने टोटल फोर सिचुएशंस देखी है. तो सेंटेंस आपको रीड करते जाना है और फिर साइड में, ऑन द साइड ऑफ द सेंटेंस आपको यस या फिर नो राइट करना है. ओके, मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी है. एंड नाउ यू हैव टू गिव द आंसर विद ओनली यस और नो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस नहीं है कि आप पूरा सेंटेंस लिख सकोगे, इसलिए आपको वहां पे यस या फिर नो राइट डाउन करना है. ओके, सो नाउ प्लीज राइट दिस एक्सरसाइज एक्टिविटी, लेट्स स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी इन योर टेक्स्ट बुक. आपको अच्छे से राइट करते जाना है. लुक एट हियर, आई विल शो यू. यस, लाइक दिस साइड में आप पेंसिल से यस या फिर नो लिख सकते हो ऑन द सेंटेंस. ओके, नाउ वी हैव कंप्लीटेड अवर लेट स्टॉक एक्टिविटी. नाउ इट्स टाइम फॉर डूइंग साउंड राइटिंग टाइम, राइट? अब हमने बहुत बातें भी तो करनी है, तो अब हम थोड़ा राइटिंग करेंगे. सो प्लीज ओपन योर पेज नंबर 163. ओके, देयर इज अ लेट्स राइट एक्टिविटी. नाउ लेट्स स्टार्ट इट. नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेट्स राइट एक्टिविटी. लेट्स राइट एक्टिविटी में हमें WH क्वेश्चन, इट मींस क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में सीखना है. ऑलरेडी हमने ये टॉपिक ग्रामर में चैप्टर नंबर 27 में कंप्लीट कर लिया है. वहां पे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे थे और बहुत सारी एक्सरसाइज भी की थी, राइट? इट मींस दिस विल बी इजी फॉर यू, राइट? तो पहले हमें यहाँ पे ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, तो हमें पहले हेडिंग तो रीड करना चाहिए ना. ओके, सो नाउ लेट्स रीड हेडिंग. कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स. इट मीन्स यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन वर्ड्स के बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पे इस बॉक्स में आप देख सकते हो विल, कैन, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन. ये जो सारे में जो क्वेश्चन वर्ड्स है, इट मीन्स यू कैन से WH क्वेश्चन, राइट? किसी को किसी इंफॉर्मेशन के लिए, कोई चीज जानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं, राइट? तो क्वेश्चन करने के लिए हम बिगिनिंग में क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं.
क्वेश्चन करोगे? यस ओके वी विल यूज व्हाट व्हाट का यूज करेंगे आप कैसे पूछोगे हाउ यू विल आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज योर नेम यस व्हाट तो पहले हम डब्ल्यू कैपिटल करेंगे डोंट फॉरगेट दिस थिंग व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क राइट हम किसी को क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज योर नेम तो आपको सामने से आंसर मिलेगा ना यस माय नेम इज सीमा और माय नेम इज रोहित यस एज इट इज ओके नाउ सेकंड लाइन स्टार्ट करते हैं ब्लैंक ओल आर यू नाउ यू आर आस्किंग अबाउट ईयर किसी के ईयर के बारे में आप पूछ रहे हो कि कितने ईयर्स के हैं हाउ ओल्ड इज ही फिट राइट कितने साल के हैं पूछ रहे हो ना ये सब तो फ्रेंड्स को पूछ रहे होंगे राइट ओके तो नाउ यू वांट टू आस्क अबाउट द नंबर्स ईयर्स कितने ईयर्स 8, 7, 10, 11 राइट तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे ओके हाउ ओल्ड आर यू किसी को क्वेश्चन करने के लिए आप कहोगे हाउ ओल्ड आर यू देन यू विल गिव द आंसर आई एम 8 years old और आई एम 9 years old राइट तो यहां से आपको ईयर्स के नंबर्स आपको मिलेंगे राइट ओके नाउ नंबर थ्री ब्लैंक डू यू प्ले आप कहां पे खेल रहे हो इट मीन्स आई एम आस्किंग द प्लेस ऑफ योर प्लेइंग एरिया आप कहां पे प्ले कर रहे हो तो प्लेस के लिए हम यूज करते हैं when डू यू प्ले आप कौन से टाइम पे प्ले कर रहे हो राइट ओके कौन से टाइम पे यानी कि प्ले का टाइम जानने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे when when do you play कौन से टाइम पे प्ले कर रहे हो ये और हम when भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आप कहाँ पे प्ले कर रहे हो तो आपको उस प्लेस की जानकारी चाहिए तो आप when यूज कर सकते हो और टाइम के बारे में जानना है इट मीन्स यू वॉन्ट टू नो अबाउट द टाइम मॉर्निंग को इवनिंग को आफ्टरनून को तो हम यूज करेंगे when or I play at 8 o'clock or 5 o'clock, right? Okay. Now the last thing, blank do you live? It means I am asking about the place. आप कहाँ पे रहते हो? Live. कहाँ पे रहते हो? Okay. तो रहने के लिए कोई place की जगह होगी तो it means मैं place के बारे में आपको पूछ रही हूँ. तो place के लिए जब जानकारी चाहिए, when we want information about place, तब हम where का Thank you for joining us.